तो हेलो फ्रेंड्स, मैं डीफ आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी दो केक बनाऊंगा। दोनों केक में मैसेज से ही पूरा केक को डिजाइन करूंगा, और ये दोनों केक जो कि है 1-1 kg में बनाऊंगा, राउंड शेप में। तो देखिए वीडियो में पूरा बने रही है, और आप भी ऐसे ही आसान तरीका से, ईजी तरीका से जो कि है केक बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नॉर्मली मैं केक को थोड़ा सा फिनिशिंग कर दिया हूँ अच्छा तरीके से राउंड शेप में, और उसके बाद जैसे कि आप लोग देखा है लेमन येलो कलर में क्रीम का ऊपर जो कि फिनिशिंग करके उसका ऊपर में लेमन येलो कलर डाल के फिर उसका ऊपर जो कि है न्यूट्रल जेल डाला हूँ, जाल डाल के जो कि है पूरा केक को कवर कर दिया हूँ, पूरा केक को जो कि फिनिशिंग कर दिया हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे कि आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि मैसेज से ही मैं ये वाला केक जो कि है दोनों केक को अच्छा से डिजाइन करूंगा, थोड़ा मैसेज बड़ा बड़ा लिखूंगा और लिख के जो कि है पूरा केक को जो कि है अच्छा तरीके से डिजाइन जैसा लुक दूंगा, और बहुत ही अच्छा दिखता है, दिखने वाला है दोनों केक। आप लोग देख के कमेंट कीजिएगा कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि कोई कोई केक में बहुत बड़ा मैसेज दे देता है, और केक जैसे कि देता है 1 kg का तो 1.5 kg का, तो आप लोग ऐसे ही मैसेज से ही केक को डिजाइन करके दे सकते हैं, और कुछ नहीं डालेगा तब भी अच्छा से दिखेगा। साइड में आप डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें साइड में गार्निशिंग डालूंगा, और ऊपर में पूरा केक जैसे कि आप लोग देखा है मैसेज लिखा हूँ ब्लू कलर में, बेस्ट विशेष बोल के है, बर्थडे वर्क एनिवर्सरी बोल के ये मैसेज था। तो मैं अच्छा तरीके से पूरा मैसेज को लिखा हूँ लिख के जो कि है साइड में थोड़ा सा स्क्वायर शेप का चॉकलेट गार्निशिंग नॉर्मल उसको डाला हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो नहीं भी डाल के दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा दिखता है मैसेज से ही जो कि केक। और उसके बाद जो कि है ऊपर में मैं थोड़ा सा ट्रायंगल शेप का गार्निशिंग था उसको मैं थोड़ा सा डाला हूँ। अगर आपका मन है तो नहीं भी डालिएगा तो केक अच्छा ही दिख रहा था। तो फ्रेंड्स ये केक जो कि है आप देखिए, देख के कमेंट कीजिएगा जरूर कैसा दिख रहा था। ओनली मैसेज से ही केक का लुक कितना अच्छा आ रहा है ना, तो आप लोग भी अगर केक में मैसेज लिखना नहीं मालूम है तो सीखिए अच्छा तरीके से जो कि मैसेज लिख के केक को डिजाइन करके दे सकते हैं। और दूसरा केक जो कि है मैं फिनिशिंग कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहा है ये वाला बटरस्कॉच केक है। तो नॉर्मली मैं थोड़ा उसको व्हाइट कलर में फिनिशिंग किया हूँ, थोड़ा सा ऊपर में येलो कलर डाल के जो कि है फिनिशिंग कर रहा हूँ, स्पीड कट से आप लोग देख ही रहा है। तो ये जो बटरस्कॉच केक है उसमें थोड़ा पिंक कलर भी आप डाल सकते हैं और मैंगो का कलर भी डाल सकता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा लाइट करके येलो कलर ऊपर में डाला हूँ ताकि अच्छा दिखे। और साइड में फिनिशिंग करके जो कि है नट्स लगाया हूँ, जो बटरस्कॉच नट्स आता है नॉर्मली उसी को मैंने पूरा साइड में भर के लगाया हूँ। उसके बाद जो कि ये वाला केक में भी मैं मैसेज ही लिखा हूँ, मैसेज से ही डिजाइन जैसा ही करूंगा, और मैसेज में अच्छे से लिखने से आप लोग भी हमेशा 1 kg 1.5 kg केक को ओनली मैसेज लिख के ही दे सकता है, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं, और देखने के लिए भी बहुत ही अच्छा लगता है, सिंपल तरीका है। और जो कौन से मैं ऊपर में मैसेज लिखा था उसी से जो कि है निस साइड में मैं बॉर्डर भी लगाया हूँ, और ये केक में मैसेज था ऑल द बेस्ट बोल के कमल बोल के था, तो अच्छा तरीके से मैं मैसेज को लिखा हूँ, और 4-5 जो कि है स्क्वायर गार्निशिंग में ऊपर में डाला हूँ ताकि थोड़ा सा केक और भी अच्छा दिखे। तो फ्रेंड्स आपको कौन सा केक ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपका मन हो तो ऐसे ही मैसेज लिख के केक बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना ही था वीडियो, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसा दिख रहा है दोनों केक। तो दोनों केक में कौन सा केक में आप लोगों को ज्यादा अच्छा लग रहा बोलना जरूर। तो बाय फ्रेंड्स।